मुझे लगा था कि कॉलेज आके मैं खुश रहूँगा। मुझे लगा था कि घर से दूर रहकर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीकर मैं खुश रहूँगा। मुझे लगा था कि यहाँ पर आके मुझे अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। पर यहाँ इस एक महीने ने मुझे अपने सपनों की दुनिया से लाके सच की ज़मीन में फेंक दिया। साल था 2020 और जेई के रिजल्ट आने के बाद एक अच्छे एनआईटी जाने का गर्व मुझे पहली दफ़ा महसूस हुआ था। क्या नहीं दे सकता मुझे एक कॉलेज, प्रॉपर कल्चर, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर और बहुत ज़्यादा फ्री टाइम, ताकि ये जो 2 साल मैंने किताबों के बीच में बिताई थी अब असली दुनिया की फितरत से एक दफ़ा मुलाकात हो। समय मुझे मिला, इनफैक्ट समय मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला। मैं कॉलेज 2 साल तक नहीं जा पाया। और रही बात प्रॉपर कल्चर, एटमोसफियर, अपॉर्चुनिटीज़ की, तो मैंने इस वक्त ये चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर खुद से मेहनत करोगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद झक मार के पीछे चली आएंगी। अब जब तक हालात काबू में आने लगी तब तक हमारा कॉलेज नहीं खुला था और इस दौरान मुझे गुस्सा कम पर फोमो, वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होने लगा था। पिछले 2 साल घर में गुजारने के कारण मुझे लगा कि शायद अगर मैं इस वक्त कॉलेज में होता तो मेरी ग्रोथ दोनों नज़रिए से, इन टर्म्स ऑफ काम और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेवल, किस मुकाम पे होती। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे ऐसा बस लगा था। कॉलेज आके पहले हफ्ते हम सब बड़े खुश थे। कहने को तो सब थर्ड ईयर में थे पर हरकतें फ्रेशर जैसी थी, विच लैंडेड अस इन सम ट्रबल। कॉलेज के दूसरे दिन मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि अपनी जो बाउंड्रीज है, अपने जो अस्तित्व है और अपने जो रूट्स है, उन्हें मत भूलो। नदी चाहे किस भी दिशा में बह रही हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ ही बहो। आपकी सोच और आपकी मंजिल शायद थोड़ी सी अलग है। खैर, 31 जुलाई कॉलेज के पहले हफ्ते तक वी लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट हियर, पर जब धीमे धीमे दिन आगे बढ़ने लगे हमें एक अजीब सी बात एहसास हुई कि इज्जत, जो इज्जत होती है ना, हम सब ने सुन रखी है कि वो कमाई जाती है, पर काफ़ी सारे कॉलेजेस में एक कल्चर चलता है जहाँ पे यू कॉल योर सीनियर्स एंड एड्रेस देम एज सर और मैम। अनुज पचेल, अ स्टूडेंट ऑफ जीएमसी नागपुर एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सेम प्रैक्टिस विच इज बीइंग फॉलोड इन मेडिकल स्कूल इन हिज वीडियो। वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय मेडिकल कॉलेज आई फेस द सेम इश्यू व्हेन अ सीनियर टोल्ड मी नॉट टू लुक देम इन द आई एंड दे टोल्ड मी टू लुक डाउन टू माय थर्ड बटन इन माय एप्रन व्हेनेवर आई वाज स्पीकिंग टू देम। आई जस्ट बॉर्न 1 year ओल्डर देन मी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई कैनॉट लुक यू इन द आई डज नॉट मेक एनी सेंस। एज वी प्रोग्रेस ग्रेजुअली इन द फर्स्ट मंथ वी वर इन्फॉर्म्ड अबाउट मेनी सच रूल्स, नेवर टू कॉल अ सीनियर बाय देयर नेम और ऑलवेज टू यूज सर और मैम व्हेन रेफरिंग टू देम। द प्रॉब्लम that this thing creates is that in a young mind of first and second year is engraved that respect must be forced upon. That means you have to tell your junior to respect you. Not all seniors are going to be bad. Some of them are going to be really, really genuinely helpful. It is upon you to select which ones do you follow later in life. अब ऐसे कुछ unsaid rules almost सारे colleges में होते हैं जो कि शायद आपको पसंद ना आए, but you know what? The change begins with you. मेरी ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग और इस ब्रांच को चूज करने के पीछे ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया में 95% ऑफ द पीपल इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं बल्कि, गौर फरमाइएगा, बस जेई देने के लिए जेई का एग्जाम देते हैं, एंड आई वाज वन ऑफ देम। जाहिर सी बात है, ब्रांचेस को लेके ना ज्यादा आइडिया और ना ही ज्यादा अवेयरनेस थी। इसमें गलती शायद मेरी है, मैंने अपने दिमाग में एक अलग नजरिया बना के रखा था, पर हकीकत में एक हफ्ते क्लास में ध्यान देने के बावजूद भी कोई कनेक्ट, कोई रेलेवेंस और कोई प्यार अपने इंटरेस्ट और इस सब्जेक्ट के बीच में ना पाने के कारण मेरे जहन में काफी सारे सवाल आने लगे। उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब आगे क्या। सुनने में ऐसा आया है कि किसी महान इंसान ने कहा था कि डार्कनेस एग्जिस्ट टू मेक लाइट ट्रूली काउंट, और ये लाइन मुझे यहाँ आने के बाद रियलाइज हुई। रात का भी कुछ 2 के आसपास बज चुके हैं और मैं लौट रहा था बारिश से, इंडिपेंडेंस का चीज देख के मुझे लगा कोई होगा नहीं रूम, घुस जाएंगे, बट ये मिल गए इधर। एंजॉय। फर्क नहीं पड़ते, खाएंगे लेके भी जाएंगे। देखो ये खेले। शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है, शायद मैं यहाँ आके अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पर थैंकफुली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिले जिनके सामने मैं खुल के बात कर सकता हूँ बिना अपने ऊपर कोई कवच चढ़ाए। रुक जाना। साथ में आते हैं ना। बहुत खुश लग रहा है भाई आजकल। आज ही हम लोग चलेंगे ना, नवंबर में उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करके चलो ना।
बीच में यहाँ पे एक इवेंट हुआ जहाँ पर मैं अमन भैया और आप लोग में से कई जन को मिल पाया। और यकीन मानिए रियल लाइफ में जब भी आप लोग में से कोई आके मिलता है और हम लोग बात करते हैं, मेरी खुशी और जो एक्साइटमेंट और अंडरस्टैंडिंग वो वाली फीलिंग की हाँ मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, उसको रियल लाइफ में देखना वो एक टोटली डिफरेंट फीलिंग होती है। तो भैया जी अभी रात के कुछ 10:30 बज चुके और हमारा कुछ अभी डीआर सर से कॉल आया कि कोई तो मिलना है, मुझे लगा सीनियर से ही कोई मिलना है, बट यहाँ पे नागपुर के लोग एक्चुअली त्रिपाली जी यहाँ पे रात के 10:30 लिटरली मिलने आ गए। ये तो मेरे लिए तो काफी गूज़बम्प मोमेंट्स है भाई, तो दिस इज व्हाट कीप्स मी गोइंग ऑन, तुम लोग भाई दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच यार आने के लिए अभी रात को इतने देर। महाराष्ट्र है तो यहाँ पर गणपति बप्पा का आगमन भी बड़ा धूमधाम से हुआ। अब बातें सुन के मैंने शायद आपको थोड़ा असमंजस में डाल दिया कि कॉलेज लाइफ शायद वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं, या फिर शायद होती है, पर मैंने अपने नजरिए में एक अलग पिक्चर बनाए रखा था इस चीज के बारे में, मुझे नहीं पता। जहां लगा था कि जाके लाइफ और ज्यादा सेटल और सॉर्ट होगी, वहां आकर उल्टा हम और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। यही जिंदगी है जो मैंने अपने लिए चुनी है, एंड इट्स कम्प्लीटली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हियर ऑन टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मेरी बातें सुन के मुझे गलत मत समझना कि मैं यहाँ आके दुखी हूँ, पर इट्स जस्ट दैट की जगह नहीं है और अपनी चीज़ें प्रायोरिटीज और अपने एम्बिशंस को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ा टाइम देते इसको एंड आई गेस कुछ दिनों की बात है, इवेंचुअली विल फिगर इट आउट।